राधे राधे। I can use a coffee. You're the light. You're the color. You're the pain. Thing I want. Need so much. सो राधे राधे माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैपकट स्मूथ ट्रांजिशन में भी आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा इस प्रकार की वीडियो, आप देख सकते हैं कितने स्मूथ ट्रांजिशन है आप देख सकते हैं मेरे भाई। तो ऐसे ट्रांजिशन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ। सो मेरे भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चलते हैं एडिटिंग की ओर। आप देख सकते हैं लिरिक्स भी देख सकते हैं, ये सब सिखाने वाला हूँ गाइस, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो एडिटिंग की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ऐसी एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको कैपकट डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो कैपकट को आपको ओपन कर लेना है मेरे भाई। कैपकट को ओपन करने से पहले आपको मेरे भाई टर्बो वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन कोई सा भी आपको मेरे भाई कनेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार से मैं ये मेरे भाई हमारा वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कैपकट आपको ओपन कर लेनी है, कैपकट एप्लीकेशन, और न्यू प्रोजेक्ट पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ क्लिप ले लेता हूँ, और जैसे मैं फर्स्ट में ले लेता हूँ एक डायलॉग वाला क्लिप, जो भी मटेरियल मैं इसका इसमें यूज़ करूँगा मेरे भाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ट्रांजिशन सिखाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ क्लिप ले लेता हूँ। इस प्रकार से कुछ क्लिप हम ले लेते हैं, ये एक ये ले लेते हैं और ये एक ये ले लेते हैं, और इतने क्लिप का इस बहुत है, और ऐड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिप लेने के बाद मेरे भाई आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप गाइस सोच रहे होंगे ये तो इंस्टाग्राम का साइज़ नहीं है शॉर्ट के लिए, तो इसको मेरे भाई आप रोटेट करके लगा सकते हो इंस्टाग्राम पे। जैसे आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से वीडियो बहुत ही वायरल होती है। सो मेरे भाई आपको हम इसको स्किप कर देंगे अभी। आप देखना यहाँ से हम इसको थोड़ा स्किप कर देंगे, यहाँ से थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, ट्रांजिशन के लिए आपको सबसे पहले मेरे भाई ऑडियो पर क्लिक करना है, साउंड पर क्लिक कर देना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद फाइल में आते हैं हम, और एक ऑडियो अपना ऐड कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ये वाला ऑडियो हम अपना ऐड कर देते हैं। तो ऑडियो ऐड करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, स्लाइड यहाँ से कट करना है आपको, और मेरे भाई आपको बीट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। गाइस अगर आप ऑडियो पहले ऐड करोगे तो ऑडियो के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रांजिशन एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कूल लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटो जनरेट पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं हमारी बीट्स एडिंग हो रही है। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, आप देख सकते हैं हमारी बीट ऐड हो चुकी है, यहाँ से हम डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे भाई जहाँ जहाँ हमारी बीट है, ये येलो कलर की मेरे भाई आपको बीट दिख रही होगी। आप देख सकते हैं ये येलो कलर की जितनी भी है ये हमारी बीट्स है। तो यहाँ पर इतनी इतनी आपको क्लिप को एडजस्ट कर देना है। जैसे ये फर्स्ट बीट है हमारी, तो इसका ये फालतू हिस्सा आ गया, तो स्प्लिट करके इसको हम डिलीट कर देंगे, और सेकेंड बीट के अकॉर्डिंग मेरे भाई आपको एडजस्ट कर देनी है अपनी क्लिप। बीट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर देनी है, जहाँ जहाँ आपकी बीट होगी तो वहाँ वहाँ आपको एडजस्ट कर देनी है। तो जल्दी जल्दी से मेरे भाई हम ये काम कर लेते हैं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं हमने बीट के अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट कर दिए क्लिप। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, ये क्लिप थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, बीच में आपको मेरे भाई माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये लोडिंग लेगा, आपको वेट कर लेना है मेरे भाई, और स्लाइड स्क्रॉल करना है आपको, और एक आपको पुलिन का इफेक्ट दिखेगा, और इसको आपको 0.5 रख सकते हैं, और मेरे भाई अप्लाई टू ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, सारे क्लिप में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये आप अभी आप देख सकते हैं एक ट्रांजिशन तो हमारा बन चुका है। अभी आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन तो ऑटोमेटिकली बन चुका है। गाइस ये उनके लिए है जिनको वीडियो एडिटिंग बहुत हार्ड लगती है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है गाइस ट्रांजिशन बनाने का। तो एक दूसरा ट्रांजिशन हम आपको बताते हैं। तो इसमें और क्या करना है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपको मेरे भाई एक क्लिप की फ्रेम लगानी है, आपको ये की फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आना है यहाँ पे, और फिर से मेरे भाई इस पर क्लिक कर देना है, और इसको कुछ इस प्रकार से आपको जूम कर देना है। तो मेरे भाई इतना जूम करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बीच में आना है मेरे भाई आपको, और ये वाला मेरे भाई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्लाइड स्क्रॉल करना है। स्लाइड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से फ्लो वन आप चूज़ कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कितना प्यारा इफेक्ट बन चुका है हमारा जूमिंग का। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर से आपको यही अप्लाई करना है, की फ्रेमिंग पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे भी की फ्रेमिंग पर क्लिक कर देते हैं, इसको जूम कर देते हैं, और मेरे भाई आपको बीच में लाना है, इस एरो को आपको बीच में लाना है। अभी आप देख सकते हैं इसको बीच में लाने से ही आपका ये अनेबल होगा। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, और स्लाइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आप फ्लो टू भी ऐड कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो इस प्रकार से मेरे भाई आपको जल्दी जल्दी से इसको एडजस्ट कर देना है।
अब मेरे भाई आप देखना ट्रांजिशन देखना आप हमारे, अभी आप देख सकते हैं कैसे जूम हो रहे हैं ट्रांजिशन, तो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भाई। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से देखना मेरे भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितने स्मूथ तरीके से जूम हुआ था। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहुत ही कूल ट्रांजिशन बन चुका है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इफेक्ट पर जाना है आपको। इफेक्ट पर जाने के बाद वीडियो इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से मेरे भाई आपको स्लाइड स्क्रॉल करना है, लेंस को आपको अनेबल कर देना है। लेंस पर क्लिक करके जूम लेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट पर जाना है और इसको आपको 8 रखना है और इसको भी आपको 7 रखना है। इसको मेरे भाई आपको 7 रखना है और इसको आपको पूरे इसमें अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पूरे वीडियो में आपको इसको लगा देना है। तो अभी मेरे भाई फिर से आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से अभी जूम हो रहा है हमारा, अभी आप देख सकते हो। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको फिर से और आपको एक ओवरले पर क्लिक कर देना है, ऐड ओवरले पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। लाइब्रेरी में मेरे भाई सिंपली आपको आना है, सॉरी इसमें, और एक आपको ब्लैक सॉरी व्हाइट पीएनजी ले लेना है। तो जल्दी जल्दी से हम ऐड कर दें। सो मेरे भाई ये रहा हमारा व्हाइट पीएनजी, इसको कुछ हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और मेरे भाई स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे, ध्यान से देखना मेरे भाई, स्प्लाइस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से क्या करना है, ओवरले पर क्लिक कर देना है और इसके इसको आपको 80 कर देना है। और अभी आप देख सकते हो 80 आपको इसको 50 भी कर सकते हो। 50 करने के बाद अब मेरे भाई आपको क्या करना है, एनिमेशन पर आपको क्लिक कर देना है और आउट के एनिमेशन पर जाना है आपको। फेड आउट आपको मेरे भाई इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है 0.8 सेकंड और इसको मेरे भाई इस प्रकार से कुछ पूरे उसमें लेकर आना है जहाँ तक हमारा वीडियो है। अभी मेरे भाई आप फिर से देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हमारा क्लिप बन चुका है। तो मेरे भाई इसको आप छोटा छोटा करके भी लगा सकते हो, स्प्लिट कर देना है इसको। तो अभी आप देखना, अभी आप देख सकते हो मेरे भाई इसको थोड़ा यहाँ से क्लिक कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं इसको और डुप्लीकेट कर करके आपको पूरे वीडियो में इसको ऐसे लगा देना है। अभी मेरे भाई आप देख सकते हो कितना बेहतरीन क्लिप बन चुका है हमारा, तो कितने मस्त ट्रांजिशन बन चुके हैं मेरे भाई। अभी आप देख सकते हो कितनी प्यारी वीडियो बन चुकी है हमारी। सो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मेरे भाई एक चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, लिरिक्स कैसे लिखें। तो ऑडियो पर मेरे भाई यहाँ से टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऑटो लिरिक्स पर क्लिक कर देना है और ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जनरेट पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे भाई आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारे जनरेट हो चुके हैं ये, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली लिरिक्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। इसको कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर देना है और ए स्टाइल पर आपको क्लिक कर देना है। फॉन्ट्स पे जाना है आपको, सॉरी टेम्पलेट्स पे, टेम्पलेट्स पे जाने के बाद मेरे भाई आपको ये वाला ले लेना है टेम्पलेट। अभी आपको बताऊंगा मैं, ये वाला टेम्पलेट भी ले सकते हो मेरे भाई आप, ये वाला सिंपली आपको ऐड कर देना है और इसको कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अभी मेरे भाई आप देखना पूरे उसमें ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो चुका है। अभी आप देख सकते हो मेरे भाई कितने बढ़िया लिरिक्स लग रहे हैं हमारे। सो मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।